हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज मंत्रा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि ट्रेनों का तत्काल टिकट कितना जल्दी फुल हो जाता है। इवन त्यौहार हो या शादी के सीजन में भी 4 महीने पहले टिकट ले तो वो भी कई बार वेटिंग हो जाता है। ऐसे में हम खुद से तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है और आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप मात्र 30 सेकंड में अपना टिकट निकाल सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल से। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज मंत्रा चैनल को और लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके और सुपर तत्काल कीवर्ड टाइप करके और उसे सर्च कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाखों लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और 4.2 का रेटिंग भी दिया है, तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर पहले ही मेरे फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। इस पर आप एक बार क्लिक करके और फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से अपना एक जर्नी का फोल्डर बना लीजिए और इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अपना IRCTC का यूज़र ID और पासवर्ड टाइप कर लीजिए। इसके बाद नीचे में है जर्नी डिटेल का, तो अपना जर्नी डिटेल डाल लीजिए, कहाँ से कहाँ तक का और किस डेट में आपको टिकट चाहिए। यहाँ से अब अपना तत्काल का कोटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और अपना स्लीपर क्लास या AC क्लास जो भी जिसमें भी आप बुकिंग करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप तत्काल हो, जनरल कैटेगरीज हो या फिजिकल हैंडीकैप हो या लेडीज कोटा, सबके तहत आप टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप पैसेंजर डिटेल डाल लीजिए, जैसे पैसेंजर नेम, एज, जेंडर और वर्क प्रेफरेंस। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो वहाँ पे आप ग्रीन प्लस के निशान पे क्लिक करके और आप पैसेंजर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से चाइल्ड डिटेल डालने का भी ऑप्शन है, तो आप अपने चिल्ड्रन डिटेल भी यहाँ से भर सकते हैं। पैसेंजर डिटेल डालने के बाद आप नीचे बुक ओनली इफ कंफर्म बस आर अलर्टेड पे क्लिक कर लीजिए और नीचे में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। उसके नीचे ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है जो कि मैंडेटरी है, तो ऑलरेडी येस पे क्लिक रहता है। नीचे में आपको पेमेंट मेथड मिल जाएगा, जिसको कि आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं पेमेंट के जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। IRCTC का पे ऑन डिलीवरी का है या पे लेटर का है ऑप्शन, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और आपका जैसे टिकट बुक होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा, जिससे कि आप 14 दिन के अंदर में इस लिंक से कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। और आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का बैंक सेलेक्ट करके और कार्ड नंबर एंटर करके क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल भर के नीचे में जो सेव फॉर्म दिख रहा है वहाँ से आप अपने फॉर्म को सेव कर लीजिए। इतना प्रोसेस आप दिन में कभी भी कर सकते हैं बुकिंग से पहले। फिलहाल आपका यह एक फॉर्म तैयार हो चुका है और आप यहाँ पर इसको सिंपली क्लिक करके इस फॉर्म के एकदम डायरेक्टली नीचे आ जाइए और बुकिंग टाइम स्टार्ट होते ही आप इसको सिंपली बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एकदम IRCTC के पेज में लॉगिन हो जाएगा और वहाँ से रिडायरेक्ट करेगा आपके सीधे, आपको बोलेगा कैप्चा एंटर करने के लिए। यहाँ से आपका ID पासवर्ड ऑटोमेटिक ले लिया है, तो आप जितना जल्दी हो सके कैप्चा एंटर करके और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये पेज रिडायरेक्ट करेगा और आपका जर्नी डिटेल ले लेगा। जर्नी डिटेल लेने के साथ ही उसके आगे भी फिर से आपका पैसेंजर डिटेल लेने के बाद फिर आपको कैप्चा एंटर करने बोलेगा। फिर आप वहाँ पे फिर से आप कैप्चा एंटर करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे कि आपको इस पूरे टिकट बुकिंग के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा कैप्चा एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। इसके बाद जो आपने वहाँ पे अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है और आपको फिर से कैप्चा एंटर करना बोलता है। तो यहाँ पर भी कैप्चा एंटर करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट रिडायरेक्ट के लिए आगे जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कार्ड डिटेल ले लिया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जा रहा है और
आपका डायरेक्टली अपने ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने बोलेगा, तो आप तुरंत मोबाइल नंबर का सेलेक्ट करके और सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको आप ओटीपी एंटर कर लीजिए, और ओटीपी एंटर करने के बाद एक बार और सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही सबमिट किया था ये पेमेंट रिडायरेक्ट करके और टिकट बुकिंग के लिए रिडायरेक्ट कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा एक टिकट आ गया है जो कि कन्फर्म सीट मिला है मुझे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।